गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर सिंह सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास ट्वेल्थ का जो राइटिंग पार्ट है उसको लर्न कर रहे हैं, जिसमें प्रेजेंट टाइम हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है रिपोर्ट राइट। ओके, 7 अंकों के लिए क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और उसके लिए 100 शब्द जो है इसकी वर्ड लिमिट है। आपको इसमें एक अल्टरनेट भी होता है, विकल्प भी होता है, 2 क्वेश्चन आते हैं अथवा में उनमें से एक आपको करना होता है। अभी जिस प्रकार की रिपोर्ट्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनके एग्जाम्पल अभी हम लिख रहे हैं, देख रहे हैं, वो सभी इस प्रकार की रिपोर्ट्स हैं जिनका एक फॉर्मेट है। ओके, तो आज एक क्वेश्चन हम नोट करेंगे। उम्मीद है कि रिपोर्ट का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ रहा होगा और जैसे जैसे आप अभ्यास करते जा रहे हैं निश्चित रूप से ये टॉपिक आपके लिए सरल भी होता जा रहा होगा। अधिक से अधिक अभ्यास करें एज यू आर। राम या सरिता द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इंडियन पब्लिक स्कूल जालौर राइट अ रिपोर्ट About 100 words on blood donation camp। ठीक है, आप चाहो तो यहां ले सकते हो। ऑर्गेनाइज्ड स्कूल ऑर्गेनाइजिंग स्कूल आपके विद्यालय में जो आयोजित किया गया था बाई एन एनजीओ, यानी किसके द्वारा, एक एनजीओ के द्वारा। तो उस ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर आप 100 शब्दों में एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करें। तो सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे या इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसके एग्जाम्पल को लिखा जाएगा। हाँ, तो अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। तो सबसे पहले ये तो पता चल ही गया होगा कि रिपोर्ट का टाइटल क्या है, वो है ब्लड डोनेशन कैंप। ओके, ब्लड डोनेशन कैंप किसके द्वारा, बाय राम या सरिता स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। ओके, इधर हो स्थान लिख देंगे यहां पे आप, डेट लिख देंगे
अगली लाइन से आप यहां से लिखना शुरू करेंगे, आपको पता है यहां लिखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि ये रिपोर्ट में पहले बता चुका हूँ, ये उस प्रकार के कार्यक्रम है जो घटित हो चुके हैं, ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, सेलिब्रेट हो चुके हैं, उनको आप लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपने कर दिया यस्टरडे, अब आपका जो इवेंट का जो नेम है वो लिखते हैं प्रत्येक, आपने रिपोर्ट में उसको देखा है यस्टरडे, डोनेशन, कैंप, यस्टरडे यानी कल, ब्लड डोनेशन कैंप यहां पे हो गया। उसके बाद लिख देंगे वॉज, ठीक है, अब यहां पे क्या आयोजन हुआ उसका, ठीक है, सेलिब्रेट नहीं कहेंगे तो हो जाएगा वॉज ऑर्गेनाइज्ड यानी आयोजित किया गया था, कहाँ पे किया गया था, ये सेंटेंस तो आपको पता है, विद्यालय का नाम लिख दो इन इंडियन, स्क्रीन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल इंडियन पब्लिक स्कूल जाल, ठीक है, कि इंडियन पब्लिक स्कूल जो जालौर है वहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन जो था उस विद्यालय में किया गया। आप लिख देंगे या तो यहीं पे लिख दो बाई किसके द्वारा, या सेंटेंस से भी बना दो दी कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय एन एनजीओ, यानी जो एनजीओ था उस एनजीओ के द्वारा इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया गया था, और ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन पब्लिक स्कूल जालौर में, ठीक है ना, वो विद्यालय का नाम हो गया, ऑर्गेनाइज के द्वारा किया गया आपने वो भी लिख दिया। आप लिख सकते हैं देयर वर फाइव रेप्यूटेड मतलब प्रतिष्ठित डॉक्टर्स, इसका मतलब क्या हुआ, देयर वर फाइव रेप्यूटेड डॉक्टर्स यानी पांच प्रतिष्ठित जो चिकित्सक थे वो थे, टू टू सपोर्ट दी कैंप, यानी जो भी कैंप था उस कैंप को सपोर्ट करने के लिए, उसको समर्थन देने के लिए वहां पे पांच चिकित्सक भी मौजूद थे। आप लिख सकते हैं एक सेंटेंस आपने देखा था उसमें दी दी कैंप स्टार्टेड एट 8 AM और आगे था एंड लास्टेड यानी चला था, लास्टेड चल रहा टिल 5 PM, यानी जो कैंप था, जो शिविर था ब्लड डोनेशन का, वो 8 बजे शुरू हो गया था और ये आपके 5 बजे तक चलता रहा, ठीक है। आप लिख सकते हैं देयर वर अबाउट
100 एंड 50, ठीक है ना, कि देयर वर अबाउट, अबाउट यानी लगभग, लगभग 150 यानी 150, यहां पे लिख सकते हो आप कि जो ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड जो डोनेट करते हैं, तो ब्लड डोनेट करके उनको क्या बोलते हैं कि देयर वर अबाउट 150 डोनर्स, डोनर्स यानी वो दान करने वाले थे, डोनर्स इन कैंप, आसान सेंटेंस, देयर वर अबाउट 150 डोनर्स इन दी कैंप, यानी कैंप में लगभग 150 जो दानदाता थे, जो डोनेट करने वाले थे ब्लड, वो वहां पे मौजूद थे, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं ऑल दी डोनर्स, यानी सभी जो डोनर्स थे उन्होंने डोनेटेड दी, डोनेट मीन्स होता दान करना, तो सेकंड फॉर्म है डोनेटेड दी ब्लड, ब्लड को डोनेट किया था, ठीक है, कि ऑल दी डोनर्स यानी सभी जो डोनेट करने वाले थे उन्होंने डोनेटेड दी ब्लड, यानी ब्लड को उन्होंने रक्त को डोनेट किया था। आप लिख सकते हैं किसके बाद, आफ्टर टेस्टिंग, आफ्टर टेस्टिंग यानी टेस्ट करने के बाद में, या फिर कह सकते हो साथ में आफ्टर टेस्टिंग के बाद, वेरिफिकेशन के बाद में, और ईच डॉलर, यानी प्रत्येक जो डोनर वहां पे जो मौजूद था, उस प्रत्येक डोनर को क्या किया गया, उसका जो ब्लड की टेस्टिंग होती है वो टेस्टिंग हुई, उसका वेरिफिकेशन हुआ, और वेरिफिकेशन के बाद, टेस्टिंग के बाद प्रत्येक डोनर्स ने डोनेटेड दी ब्लड, यानी जो ब्लड था उसको डोनेट किया था, ठीक है, ये भी हो गया। आप लिख सकते हैं दी सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एंड दी मैनेजर ऑफ एनजीओ, मतलब स्कूल के सेक्रेटरी ने और एनजीओ के मैनेजर ने धन्यवाद ज्ञापित किया था टू ऑल डोनर्स, यानी जितने भी डोनर्स थे उन सभी डोनर्स को उन्होंने धन्यवाद कहा, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं ऑल दी डोनर्स, कैसे बना रहा हूं कि सभी डोनर्स को ओवर गिवन यानी प्रदान किया गया था ठीक है ना, कि ऑल दी डोनर्स वर गिवन अ सर्टिफिकेट, या सर्टिफिकेट यानी सभी डोनर्स को सर्टिफिकेट्स जो थे वो दिए गए थे। आप लिख सकते हैं एनजीओ एनजीओ प्रोवाइडेड ऑल दी डोनर्स, यहां लिख सकते हो जूस
रिफ्रेशमेंट, यानी जो भी रिफ्रेशमेंट होता है, जो भी नाश्ता होता है, ठीक है ना, जूस जो था वो डोनर्स को प्रोवाइड किया गया था, या कह सकते हो एनजीओ प्रोवाइडेड ऑल द डोनर्स जूस एंड रिफ्रेशमेंट। अब आप एक यहाँ लिख सकते हो सेंटेंस लास्ट का, आपको पता है द कैंप वॉज हाईली सक्सेसफुल, कि आपका जो कैंप था वो अत्यधिक सफल रहा, ठीक है। तो ये सरल भाषा में, आसान शब्दों में छोटा सा एक रिपोर्ट जो है वो बनके तैयार हो गया है। यस्टरडे ब्लड डोनेशन कैंप जो था वॉज ऑर्गेनाइज आयोजित किया गया था इंडियन पब्लिक स्कूल में। द कैंप वॉज ऑर्गेनाइज बाई एन एनजीओ के द्वारा आयोजित किया गया था। देयर वर फाइव रेप्यूटेड डॉक्टर्स, वहाँ पर पांच डॉक्टर्स थे, या मैनी देयर वर मैनी डॉक्टर्स, देयर वर मैनी रेप्यूटेड डॉक्टर्स टू सपोर्ट दी कैंप, ठीक है। द कैंप स्टार्टेड इतने बजे शुरू हुआ एंड लास्टेड टिल 5 PM। देयर वर अबाउट 150 डोनर्स थे इन दी कैंप। ऑल द डोनर्स डोनेटेड दी ब्लड आफ्टर टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ ईच डोनर। पहले सभी डोनर्स का जो टेस्टिंग था वो टेस्टिंग हुआ, उसके बाद उन्होंने ब्लड को डोनेट किया था। द सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एंड द मैनेजर ऑफ एनजीओ थैंक टू ऑल डोनर्स। आप ये भी कह सकते थे द सेक्रेटरी ऑफ स्कूल ऑल्सो डोनेटेड हिज ब्लड, उन्होंने भी अपना ब्लड जो है डोनेट किया था। ऑल द डोनर्स फॉर गिवन सर्टिफिकेट। एनजीओ प्रोवाइडेड ऑल द डोनर्स जूस एंड रिफ्रेशमेंट। द कैंप वॉज हाईली सक्सेसफुल, जो था वो अत्यधिक सफल रहा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये रिपोर्ट जो है आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आप इसको बेहतर तरीके से पढ़ें और इससे सिमिलर कुछ जो रिपोर्ट्स हैं उनका अभ्यास आवश्यक रूप से करते रहें आप, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता आया हूँ कि ये राइटिंग जो पार्ट है आपका 12th क्लास में, इसका जितना अभ्यास कर लोगे उतना बेहतर हो जाएगा। आप ये सोचेंगे कि नहीं, हम याद करके बैठ जाएंगे, कि हमें इतनी रिपोर्ट्स याद हैं, हम इतनी कर लेंगे, तो इससे आप कभी भी अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जितना अभ्यास करेंगे, जितने अच्छे आप सेंटेंस लिख पाएंगे, उतना ही बेहतर जो है आप अंक प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए उम्मीद करता हूँ आप अभ्यास कर रहे होंगे और करते भी रहेंगे, ठीक है। तो बेहतर तरीके से घर पर पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।